नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2018 के अंदर लॉन्च होने वाली 6 कारों के बारे में। कौन सी हैं वो 6 कारें, तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहली गाड़ी है जो आने वाली है वो है टोयोटा की यारिस। टोयोटा की यारिस पेट्रोल इंजन के साथ भारत में 18 मई को लॉन्च होने जा रही है। जो इसका प्राइस है वो 8 से 11 लाख रुपए के बीच में हो सकता है। इसकी सीधा सीधा मुकाबला होंडा सिटी, हुंडई वरना और मारुति की सियाज के साथ होने वाला है। तो इस सेगमेंट में बहुत टक्कर होने वाली है। दोस्तों, दूसरी गाड़ी है जो वो होगी होंडा की अमेज। वो भी मई में ही स्टार्ट आने वाली है, लॉन्च होने वाली है। जो उसकी बुकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, कंपनी उसकी बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। जो उसका प्राइस है वो हो सकता है 6 से 10 लाख के बीच में हो सकता है। तो इस गाड़ी में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन आएंगे। बहुत अच्छे फीचर के साथ ये गाड़ी आने वाली है। कंपनी ने इसकी लुक पे बहुत जोर दिया है, लुक इसकी पूरी चेंज कर दी गई है। तो दोस्तों, तीसरी गाड़ी है वो है मारुति की विटारा, ग्रांड विटारा। जी हाँ, ब्रेजा नहीं, ग्रांड विटारा, जो कंपनी की पहली और ब्रेजा से बड़ी कार है जो एसयूवी, तो वो आने वाली है। इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन आएंगे। पहले आता था इसमें सिर्फ एक पेट्रोल इंजन, तो इसको 2014 में कंपनी ने लोगों के सामने पेश किया। तो वो अब भारत में लॉन्च होने जा रही है, वो जून या जुलाई में आ सकती है। तो दोस्तों, अगली गाड़ी है वो है होंडा की सिविक, जिसका उसका भी हमें बहुत इंतजार था। वो गाड़ी भी अभी लॉन्च होने जा रही है इंडिया में। उसका जो प्राइस है वो हो सकता है 12 से 18 लाख के बीच में। जो वो गाड़ी है वो आएगी डीजल और इंजन, डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के साथ। वो गाड़ी भी इसी साल अगस्त या सितंबर में लॉन्च हो सकती है। तो उसमें भी बहुत अच्छे फीचर दिए गए हैं। दोस्तों, अगली गाड़ी है हुंडई की तरफ से। हुंडई हर कार का अपना फेसलिफ्ट लॉन्च करती जा रही है। तो हुंडई की अगली कार है वो सबसे छोटी ईओन, उसका भी फेसलिफ्ट आने वाला है जो पेट्रोल वेरिएंट में आएगा। उसका प्राइस 3 से 4.5 लाख रुपए के बीच में हो सकता है। तो गाड़ी इसी साल लॉन्च होगी, वो हो सकती है अक्टूबर या नवंबर में। तो आखिरी गाड़ी है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है, जो इंडोनेशिया में लॉन्च हो चुकी है। जी हाँ, मारुति की अर्टिगा। मारुति की अर्टिगा इंडोनेशिया में लॉन्च हो चुकी है। वहाँ पे पेट्रोल इंजन में और इंडिया में वो होगी डीजल और इंजन, डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन में। तो वो आएगी इसी साल नवंबर दिसंबर या फिर अक्टूबर में लॉन्च हो सकती है वो गाड़ी। उसका प्राइस होगा जो वो हो सकता है 8 से 10 लाख के बीच में। बहुत अच्छे फीचर के साथ, नई लुक के साथ ये गाड़ी आने वाली है। तो दोस्तों, ये थी 6 कारें जो इसी साल लॉन्च होने वाली हैं। आप अगर आप कार लेने की सोच रहे हैं तो आप वेट कर सकते हैं इन कारों का, तो ये आने वाली हैं इसी साल। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में कोई कमी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट, बाइक चलाते हैं हेलमेट जरूर पहनिए। धन्यवाद।